अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो में ये बताना है कि हम ये जो दूसरे सेटअप की साइड दूसरी एरिया में जो हमारे बजीज़ रखे हुए थे उनको यहाँ ले आए हैं। उनकी वजह ये है कि इस पेयर ये बेयर क्रॉस कर रहा था लेकिन जो है इसके अंडे अभी तक नहीं आए, और इस पेयर ने क्रॉसिंग की थी, इसके दो अंडे भी थे, वो मुझे लग रहा था ख़राब हो गए लेकिन वो छिपकली साहिबा खा गई हैं। और मुझे लग रहा है कि इसने भी अंडा दिया होगा, इसका भी छिपकली खा गई होगी, क्योंकि छिपकली इसके अंडे के पीछे थी। जब मैंने अंडी लाई तो बाहर निकल के भागी। सो वहाँ से मैं मूव करके यहाँ ले आया, वो रिकॉर्ड में नहीं कर पाया। और उसके अलावा ये माशाल्लाह से मेरे सेटअप का लुक है, माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा भाई, नज़र लग जाती है। और ये लोग इस वक्त इतने सन्नाटे में इसलिए क्योंकि बहुत शोर मचा रहे थे। मगरिब का वक्त हो गया है, मगरिब हो चुकी है बल्कि, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, लाइट्स बंद कर दूँगा। और मेरी आवाज़ की वजह से ही चुप हुए, वरना बहुत शोर मचा रहे थे माशाल्लाह से। तो ये प्रोग्रेस है कि ये वही पेयर है, फिर ये 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 और ये। इसकी हांडी मैंने हटा दी थी क्योंकि फ़ीमेल बहुत प्लकिंग कर रही थी, और इसका बच्चा बाहर निकला हुआ है। मैं फ्लैश ऑन करके आपको दिखा, ये देखिए आप क्या हशर नशर किया हुआ है बच्चे का। तो हो सकता है मैं फ़ीमेल को भी हटा दूँ आज अभी या कल सुबह, ताकि ये बच्चा सही हो जाए अगर मेल इसको भरा दे तो। बाकी ये पेयर है, ये भी माशाल्लाह ठीक हो गया है। ये थोड़े से बीमार हुए थे, ये भी ठीक हो गए। ये दोनों भी बीमार हुए थे, बेहतर हो गए। ये दोनों भी बीमार हुए थे, बेहतर हो गए। ये भी बीमार थी, बेहतर हो गई। ये भी बीमार हुए थे, बेहतर हो गए, क्योंकि इनकी जगह चेंज की थी। उसके अलावा ये बच्चा बाहर आ गया है माशाल्लाह से, और उसने अंडे दिए हुए हैं। ये फीमेल दोबारा अंडे देने वाली है, लेकिन ये जोड़ा मैं तोड़ दूँगा। कॉकटेल माशाल्लाह खैर खैरियत से हैं, और इनका पेयरिंग नहीं हो पा रही है। इसकी पेयरिंग हो गई लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा है। फिंचेस ने अपनी नेस्टिंग वगैरह ओके कर ली है, सब सेट हो गए माशाल्लाह से। इनको मैं खाने में झींगा दे रहा हूँ, और बाकी ये जो हैं इनकी पेयरिंग करनी है। बेचारे बैठे हुए होते हैं, अपनी पेयरिंग बना रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास केज ही नहीं कि मैं इनको कहीं और लगा सकूं। सो ये प्रोग्रेस थी। बारिश हो गई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, बहुत अच्छा माहौल हो गया है, और उसकी वजह से जो है बहुत परिंदे खुश हैं। लेकिन इसमें गलती जो हो गई मुझसे, आप लोग नहीं करिएगा, कि बारिश में कभी भी परिंदे को आपको स्विच नहीं करना है। अगर आप स्विच करेंगे तो फिर मुमकिन है कि मामला ख़राब हो जाए, जैसे मेरे पास हुआ। मेरी तो बचत हो गई, अल्लाह ताला ने बचाया, इतना सदका वदका निकाला तो जाके बचें, वरना बहुत बुरा असर हो सकता था। खैर अल्लाह का करम हो, आप सब महफूज हैं। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और आखिर में हम आपको इनको, या अल्लाह, लाइट से डर रहे थे ये, और ये इनकी हालत है। ये सारे मुर्गे निकले, एक मुर्गी मर गई थी, बाकी इनका इंतज़ाम कुछ करना है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, बारिश भी हो गई तो इसलिए इनको ज़रा हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जल्द इनकी भी सेटिंग करेंगे। सब मुर्गे हैं, सिर्फ एक वो मुर्गी काली वाली, वो बफ में, और एक और बच्चा बफ में, वो छुपा हुआ अंदर कहाँ है। ये तारे इसका तो बफ ही ख़त्म हो गया है, सही है, क्रॉस में देना तो इसलिए हो गया। तो भाई ये थी आज की अपडेट, जिसमें बजीज़ की, फिंचेस की, और मुर्गी और चूज़ों की। तो वापस ये लोग जाग रहे हैं तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि ये लोग सो जाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।